अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पेज़ैप कोनिका मिनोल्टा 363552 के बारे में, कि इसके हम पेपर मिसफिट कैसे ठीक करें, कि बार बार मिसफिट कर रहा हो इटर, पेपर फंस रहा हो इटर के अंदर, उसको हम कैसे ठीक करें। ये फिंगर है इसके अंदर, ये यहाँ पर बार बार मिसफिट कर रहा हो, पेपर जाम कर रहा हो, उसको हम कैसे ठीक करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने इसका एक खोल लेना है जैक। कवर खोलेगा कैसे, इसका एक क्लिप होता है जैक का ऊपर, क्लिप खोलने के क्लिप का ऊपर से क्लिप दबा के फिर जैक को बाहर आ जाएगा। ये जैक आ गया बाहर, ये इसके ऊपर छोटा सा क्लिप लगा है, इसको प्रेस करेंगे तो जैक को देगा बाहर। दूसरी साइड पे चलते हैं, यहाँ पर भी एक जैक है, इसका क्लिप वगैरह नहीं है, इसको बस ऐसे ही हम थोड़ा सा बाहर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। फिर इसके खोलने में आपने दो पेज, एक यहाँ ये वाला होगा और ऐसा ही दूसरी साइड पे होगा दोस्तों। पेज ही खोल के हीटर हमारा आ जाएगा बाहर। एक पेज ये खुल गया हमारा, दूसरा पेज है ये वाला, ये पेज आ गया है हमारा बाहर, गिर गया एक मिनट। अब ऐसे ही हम इसको हीटर को पकड़ के बाइक खींच की तरफ खींच लेंगे। आराम से खींचना है, कोई ज़ोर जमाई नहीं करनी है आपने किसी चीज़ के साथ भी। ऐसे कर देते हैं हम डोर बंद। डोर बंद करने के बाद आ जाते हैं हीटर यूनिट की तरफ, कि आपने इसको ठीक कैसे करना है और इसको हम फिंगर को कैसे खोलें। सबसे पहले आपने इसके खोल लेने हैं पेज। अगर पूरा आपने खोलना है तो उसके ये वाले पेज खोलने पड़ेंगे सारे। अगर फुल नहीं खोलना तो सिर्फ फिंगर साफ़ करने हैं, उसके लिए हम आपको तो बताएंगे वो दो पेज खोल लेना आप, उससे हमारे फिंगर हो जाएंगे साफ़। वैसे आपको ये खोलने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं चेक करा रहा हूँ बस। इसको हम नहीं खोलते, सबसे पहले हम खोल लेते हैं इसके फिंगर। ये आ गए हमारे फिंगर, दो पेज इसके लगे हैं अंदर की तरफ ये वाले। एक पेज ये खोल लेंगे हम और ऐसे ही पेज दूसरी साइड पर होगा वो खोल लेंगे। और दो पेज ये पहले से खोले हुए हैं, यहाँ फ्रंट भी दो पेज होते हैं इसके, जो पतरी लगी है एक ये वाला एक ये वाला। ये दो पेज खोल के हम इसको निकाल लेंगे बाहर। नीचे देखेंगे आप एक जैक होगा, जैक को आपने बहुत ही ध्यान से खोलना है। सामने जैक लगा है सेंसर का, जैक को आप हल्का थोड़ा सा पीछे करेंगे ये बाहर आ जाएगा। ये पतरी हमारी आ गई है बाहर, ये है हमारी फिंगर पट्टी, फिंगर प्लेट जिसको कहते हैं। ये फिंगर आपने साफ़ करने हैं, भट्टी का तेल हो जाए, थिनर हो जाए, पेट्रोल हो जाए, कपड़े पे लगा के किसी चीज़ से भी इसको हम साफ़ कर लेंगे। ये मेरे पास अभी थिनर मौजूद है, इसको हम करते हैं थिनर से साफ़, हल्का हल्का बस साफ़ कर लेंगे इसके, इतना ज़ोर से नहीं करेंगे साफ़। फिंगर हमारे क्लीन हो रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से देख लेना कोई इंक शिंक ना लगी हो उसके ऊपर, किसी साइड पे कोई चीज़ ना जमी हो। ये भी हमारे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, पांच फिंगर हैं इसके। चलते हैं इसकी बैक साइड पे, इसको बंद कर लेंगे हम। ये आ गई इसकी बैक साइड, ये इसकी बैक साइड है, ये देख सकते हैं कितनी इंक जमी हुई है इसके ऊपर, ये हाथ से भी नहीं मिटेगी, ये पक्की इंक जमी है इसके अंदर। इसको हम साफ़ करेंगे, अभी मिट्टी के तेल कुछ भी ले सकते हैं आप, हमारे पास थिनर मौजूद है, थिनर से हम साफ़ करेंगे प्लेट को अच्छे तरीके से। ये भी हमने थिनर लगा दी कपड़े के ऊपर, अभी हम इसको साफ़ करेंगे। पट्टी को फुल आपने साफ़ कर देना है, बिल्कुल क्लीन हो जाए इसको, कहीं पर भी टोनर ना लगाओ। ये भी देख सकते हैं हमारी इंक हल हट रही है सब जगह से। जैसे ही आप ये प्लेट को साफ़ करके मशीन में आप लगाएंगे इसको यूनिट को, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये ऊपर वाली पट्टी भी इसकी हम कर लेंगे साफ़, दोनों पट्टी आपने साफ़ करनी है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी अच्छे तरीके से, कोई भी छोटा सा टपका ना हो उसको, तो बिल्कुल क्लीन वॉश कर देना है इसको।
उसके बाद हम उसको लगा देंगे वापस उसका वो प्लेट। ये भी हो गया हमारा साफ। यस यूनिट में बस आपने यही साफ़ करना है और कुछ भी नहीं छेड़ना, बहुत एहतियात से साफ़ करना है। अभी ये हम लगा देंगे इसके अंदर प्लेट, फिर वाली प्लेट हमने खोली थी, ऐसे ही हम बिठा के इसके अंदर लगा देंगे जैक। ये आप ऐसे ही मशीन के अंदर लगा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना।